नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमवी स्पीक पे आपका स्वागत है। आज मैं बंटवारे की एक कहानी का जिक्र आपके साथ करने जा रही हूं। बंटवारे के दर पे इतना कुछ लिखा जा चुका है, कि अगर हम उस सारे को कहना शुरू करें तो घंटे, साल, सदियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो कहानियां खत्म नहीं होंगी। मंटो ने बहुत कुछ लिखा है, अमृता प्रीतम ने बहुत कुछ लिखा है, खुशवंत सिंह ने बहुत कुछ लिखा है, कृष्णा सोबती ने बहुत कुछ लिखा है और कृष्ण चंद ने भी बहुत कुछ लिखा है। बहुत सारे लेखक हैं जिनके नामों की सूची कहीं ख़त्म नहीं होती, जिन्होंने अपनी कहानियों में बंटवारे को अपना विषय बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बंटवारे का जो दर्द है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दर्द नहीं है, वो वहाँ के लोगों का दर्द नहीं है, वो उन कुछ जवानियों का भी दर्द है जो बंटवारे के दर्द को झेलती हुई कुठों पे पहुंच जाती हैं। और एक तवायफ का खुला खत नेहरू और जिन्ना के नाम, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम शरीफ और इज्जतदार और धार्मिक लोगों के नाम मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। एक तवायफ का खत जिसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपको किसी तवायफ ने कभी खत नहीं लिखा होगा, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज तक आपने मेरी और इस कुमाश की दूसरी औरतों की कभी सूरत भी नहीं देखी होगी। मैं ये भी जानती हूँ कि आपको मेरा ये खत लिखना किस कदर मायूब है, और वो भी ऐसा खुला खत, मगर क्या करूँ, हालात ही कुछ ऐसे हैं और इन दोनों लड़कियों का तकाजा इतना शदीद हो कि मैं ये खत लिखे बगैर नहीं रह सकती। मैं ये खत नहीं लिख रही हूँ, ये खत मुझसे बेला और बतूल लिखवा रही हैं। बेला और बतूल मुझसे ये खत क्यों लिखवा रही हैं, ये दोनों लड़कियाँ कौन हैं और इनका तकाजा इस कदर शदीद क्यों है, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपको अपनी घिनौनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बताना चाह रही हूँ। मैं ये भी नहीं बताऊँगी कि मैं कब किन हालातों में तवायफ बनी। मैं किसी शरीफाना जज्बे का सहारा लेकर के आपसे किसी झूठे रहम की दरख्वास्त करने नहीं आई हूँ। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है, मैं सिर्फ अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिनका आगे चल के बेला और बतूल की ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है। आप लोग कई बार मुंबई आए होंगे और जिन्ना साहब ने तो मुंबई को बहुत बार देखा है, मगर आपने हमारा बाज़ार नहीं देखा होगा। जिस बाज़ार में मैं रहती हूँ वो फॉरेस्ट रोड कहलाता है। ग्रांट रोड के इस पार लेमिंगटन रोड और ओपर हाउस और चपाटी, मैरिन ड्राइव और फोर्ट के इलाके हैं। यहाँ मुंबई के शरीफ लोग रहते हैं। मदनपुरा में इस तरफ गरीबों की बस्ती है, फॉरेस्ट रोड इन दोनों के बीच में है ताकि गरीब और अमीर दोनों अलग अलग रहें। ये बाज़ार बहुत खूबसूरत नहीं है, इसके मकान भी बहुत खूबसूरत नहीं है, इसके बीचों बीच ट्राम की गड़गड़ाहट सब रोज़ जारी रहती है। बेतहाश लौंडे और शोदे बेकार और जराय पेशा मखलूक उनकी गलियों का दावा करती नजर आती हैं। लंगड़े लूले ओबाश तमाशबीन आतिशिक और सुजाक के मारे हुए काने लूंजे कोकीनबाज और जेब कतरे इस बाजार में सीना तान के चलते हैं। गलीज होटल सीले हुए फुटपाथ पर मेले के ढेरों पर भिनभिनाती हुई लाखों मक्खियां, लकड़ियों और कोयलों के गोदाम, पेशावर दलाल और बासी हार बेचने वाले कोक शास्त्र और नंगी तस्वीरों के दुकानदार, चीन हजाम और इस्लामी हजाम और लंगोटे कसकर गालियां बकने वाले पहलवान, हमारी समाजी जिंदगी का सारा कूड़ा करकट आपको फॉरेस्ट रोड पे मिलता है। आप यहाँ क्यों आएंगे? कोई शरीफ इधर का रुख नहीं करता। शरीफ आदमी जितने हैं वो ग्रांट रोड के उस पार रहते हैं, और वो जो बहुत शरीफ है वो मालाबार हिल पर क्याम करते हैं। मैं एक बार जिन्ना साहब की कोठी के सामने से गुजरी थी और वहाँ मैंने झुककर सलाम भी किया था। बतूल भी मेरे साथ थी। बतूल को आपसे
आपसे यानी कि जिन्ना साहब से जिस कदर अकीदत है उसको मैं कभी ठीक से बयान नहीं कर सकूंगी। खुदा और रसूल के बाद दुनिया में अगर वो किसी को चाहती है तो वो सिर्फ आप हैं। उसने आपको तस्वीर के लॉकेट में लगाकर सीने से लगा रखा है, किसी बुरी नीयत से नहीं। बतूल की उम्र अभी सिर्फ 11 बरस की है, छोटी सी लड़की है, और फारस रोड वाले अभी से उसके बारे में बुरे बुरे इरादे रख रहे हैं। खैर, वो कभी आपको फिर बताऊंगी। ये तो फारस रोड है जहाँ मैं रहती हूँ, फारस रोड के मगरबी सिरे पे जहाँ चीनी हजाम की दुकान है उसके करीब एक अंधेरी गली के मोड़ पे मेरी दुकान है। लोग तो उसे दुकान भी नहीं कहते, मगर खैर आप दाना हैं, मैं आपसे क्या छिपाऊंगी। यही कहूंगी कि वहाँ पर मेरी दुकान है और वहाँ पर मैं इस व्यापार को करती हूँ, जिस तरह से बुनियाद, सब्जी वाला, फल वाला, होटल वाला, मोटर वाला, सिनेमा वाला, कपड़े वाला या कोई और दुकानदार व्यापार करता है। हर व्यापार में ग्राहक को खुश करने के अलावा अपने कुछ फायदे भी सोचे जाते हैं। मेरा व्यापार भी इसी तरह का है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ब्लैक मार्केट नहीं करती और मुझमें और दूसरे व्यापारियों में कोई फर्क नहीं है। ये दुकान अच्छी जगह के वाके पर नहीं है, यहाँ रात को कूजा दिन में लोग ठोकर खा जाते हैं। इस अंधेरी गली में लोग अपनी जेबें खाली करके जाते हैं, शराब पी के जाते हैं, दुनिया भर की गालियां बकते हैं। यहाँ बात बात पर शुरा चल जाता है, गरज की हर वक्त जान जैक में रहती है। और फिर मैं कोई अच्छी तवायफ नहीं हूँ कि पवई जाके रहूँ या वली में समुंदर के किनारे कोठी बना लूँ। मैं एक बहुत ही मामूली दर्जे की तवायफ हूँ, और अगर मैंने अब सारा हिंदुस्तान देखा है और घाट घाट का पानी भी पिया है, हर तरह के लोगों की सोहबत में बैठी हूँ, लेकिन अब 10 साल से इसी शहर मुंबई में हूँ, इसी फारस रोड पे, इसी दुकान में बैठी हूँ, और अब तो मुझे इस दुकान की पगड़ी भी 6000 रुपये तक मिलती है। हालांकि ये कोई इतनी अच्छी जगह भी नहीं है, लेकिन कीचड़ चारों तरफ फैला हुआ है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, और खारिश ज़्यादा कुत्ते घबराए हुए ग्राहकों की तरफ काट खाने को लपकते हैं। फिर भी मुझे इस जगह की पगड़ी 6000 रुपए तक मिल रही है। इस जगह मेरी दुकान एक मंजिला मकान में है, इसके दो कमरे हैं। सामने का कमरा मेरी बैठक है, यहाँ मैं गाती हूँ, नाचती हूँ, ग्राहकों को रिझाती हूँ। पीछे का कमरा बाबरची खाने और गुसल खाने और सोने के कमरे का काम देते हैं। यहाँ पर एक नल भी है, एक तरफ हंडिया है और एक तरफ एक बड़ा सा पलंग है, और इसके नीचे एक और छोटा सा पलंग है, लेकिन अंदर वाले कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। मालिक मकान ने बरसों से कलई नहीं करवाई है और ना ही वो करवाएगा, इतनी फुर्सत किसे है। मैं तो रात भर नाचती हूँ, गाती हूँ, दिन को भी वहीं गाँव तकिए पे टिका कर सो जाती हूँ। अक्सर ग्राहक जब उधर मुंह धोने के लिए जाते हैं तो बेला और बतूल फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लग जाती हैं। जो कुछ उनकी निगाहें कहती हैं, मेरा ये खत भी वही कहता है। अगर वो मेरे पास इस वक्त ना होती तो ये गुनाहगार बंदी आपकी खिदमत में यूं गुस्ताखी ना करती। जानती हूँ दुनिया मुझ पर थू-थू करेगी, शायद आप तक मेरा ये खत पहुँचेगा भी नहीं। फिर भी मजबूर हूँ ये खत लिख के रहूँगी कि बेला और बतूल की मर्जी भी यही है। शायद आप क्यास कर रहे होंगे कि बेला और बतूल मेरी लड़कियाँ हैं। नहीं, ये गलत है, मेरी कोई लड़की नहीं है। इन दोनों लड़कियों को मैंने बाजार से खरीदा है। जिन दिनों हिंदू मुस्लिम फसाद जोरों पर था और ग्रांट रोड और फारस रोड और मदनपुरा पर इंसानी खून पानी की तरफ बहाया जा रहा था, उन दिनों मैंने बेला को एक मुसलमान दलाल से 300 रुपए में खरीदा था। ये मुसलमान दलाल उस लड़की को दिल्ली से लाया था जहाँ बेला के माँ बाप रहते थे। बेला के माँ बाप रावलपंडी में राजा बाजार के अकब में पुंछ हाउस के सामने की गली में रहते थे। बहुत अच्छा घराना था, शराफत और सादगी घुट्टी में पड़ी हुई थी। बेला अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, और जब रावलपिंडी में मुसलमानों ने हिंदुओं को तहे तेक करना शुरू किया उस वक्त चौथी जमात में पढ़ती थी। ये 12 जुलाई का वाकया है। बेला अपने स्कूल से पढ़ के आ रही थी कि उसने अपने घर के सामने और दूसरे हिंदुओं के घरों के सामने ऐसा हालात देखा कि वो डर गई। ये लोग मुसल्ला थे और घरों को आग लगा रहे थे,
और लोगों को, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को घरों से बाहर निकाल करके कत्ल कर रहे थे। साथ ही अल्लाहु अकबर का नारा भी बुलंद करते जाते थे। बेला ने अपनी आंखों से अपने बाप को कत्ल होते देखा, फिर उसने अपनी आंखों से अपनी माँ को दम तोड़ते हुए देखा। बहशी मुसलमानों ने उसके पिस्तान काट कर फेंक दिए थे, वो पिस्तान जिनसे एक माँ, कोई भी हिंदू या मुसलमान या ईसाई या यहूदी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और इंसानों की ज़िंदगी में, कायनात की वसत में तख्लीक का एक नया बाब खोलती है। वो दूध भरे पिस्तान अल्लाह अकबर के नारों के साथ काट दिए गए। किसी ने तख्लीक के साथ इतना जुल्म किया था, किसी जालिम अंधेरे ने उनकी रूहों में ये स्याही भर दी थी। मैंने कुरान पढ़ा है, मैं जानती हूँ कि रावलपिंडी में बेला के माँ बाप के साथ जो कुछ हुआ वो इस्लाम नहीं था, वो इंसानियत नहीं थी, वो दुश्मनी भी नहीं थी, वो इंतकाल भी नहीं था, वो एक ऐसी सआदत, बेरहमी, बुजदिली थी जो तारीख के सीने से फूटती है और नूर की आखिरी किरण को भी दागदार कर जाती है। बेला मेरे पास है, मुझसे पहले भी वो दाढ़ी वाले मुसलमान दलाल के पास थी। बेला की उम्र 12 साल से ज़्यादा नहीं थी जब वो चौथी जमात में पढ़ती थी। अपने घर में होती तो आज पांचवी जमात में दाखिल हो रही होती। फिर बड़ी होती तो माँ बाप उसका कहीं अच्छी जगह पे ब्याह कर देते। वो अपना छोटा सा घर बसाती, अपने खाविन से, अपने नन्हे नन्हे बच्चों से, अपनी घरेलू ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों से। लेकिन उस नाजुक कली को बेवक्त खिजा आ गई। अब बेला 12 बरस की नहीं मालूम होती, उसकी उम्र थोड़ी है लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। उसकी आंखों में डर है, इंसानियत की जो तलखी है या उसका जो लहू है, मौत की जो प्यास है। कायदे आज़म साहिब, शायद अगर आप उसे देख सकें तो आप उसका अंदाज कर सकें, उन बेआसरा आंखों की गहराइयों में उतर सकें। आप तो शरीफ आदमी हैं, आपने शरीफ घराने की मासूम लड़कियों को देखा होगा, हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को। शायद आप समझ जाते कि मासूमियत का कोई मज़हब नहीं होता, वो सारी इंसानियत की अमानत है, सारी दुनिया की मिरास है जो उसे मिटाता है। उसे दुनिया के किसी मजहब का कोई खुदा माफ़ नहीं कर सकता। बतूल और बेला दोनों सगी बहनों की तरह मेरे यहाँ रहती हैं। बतूल और बेला सगी बहनें नहीं हैं, बतूल मुसलमान लड़की है, बेला ने हिंदू घर में जन्म लिया। आज दोनों फारस रोड पर एक रंडी के घर में बैठी हैं। अगर बेला रावलपिंडी से आई है तो बतूल जालंधर के एक गांव खेम करन के पठान की बेटी है। बतूल के बाप की 7 बेटियां थी, 3 शादीशुदा और 4 कुंवारियां। बतूल का बाप खेम करन में एक मामूली काश्तकार था, गरीब पठान लेकिन गयूर पठान, जो दीहू में से खेम करन आके बस गया था। जाटों के इस गांव में यही 3-4 पठानों के घर थे। ये लोग जिस हिल्म और आस्ती से रहते थे, शायद उसका अंदाज पंडित जी को इस उम्र से होगा कि मुसलमान होने पर भी उन लोगों को अपने गांव में मस्जिद बनाने की इजाज़त ना थी। ये लोग घर में चुपचाप अपनी नमाज अदा करते। सदियों से, जब से महाराजा रंजीत सिंह ने अनान हुकूमत संभाली थी, किसी मोमिन ने उस गांव में अजान ना दी थी। उनका दिल इरफान से रोशन था लेकिन दुनियावी मजबूरियाँ इस कदर शदीद थीं और फिर रवादारी का ख्याल इस कदर गालिब था कि लब वाह करने की हिम्मत न होती। बतूल अपने बाप की चहेती लड़की थी, 7 में से छोटी, सबसे प्यारी, सबसे हसीन। बतूल इस कदर हसीन है कि हाथ लगाने से मैली होती है। पंडित जी, आप तो खुद कश्मीरी उल नस्ल हैं और फनकार होकर के ये भी जानते होंगे कि खूबसूरती किसे कहते हैं। ये खूबसूरती आज मेरी गंदगी के ढेर में गडमड होकर इस तरह से पड़ी है कि इसका परख करने वाला कोई शरीफ आदमी अब मुश्किल से मिलेगा। इस गंदगी के गले सड़े मार, दाढ़ी, खून, मूछों वाले ठेकेदार, नापाक निगाहों वाले 4 बाजारी ही नजर आते हैं। बतूल बिल्कुल अनपढ़ है, उसने सिर्फ जिन्ना साहब का नाम सुना है। पाकिस्तान को एक अच्छा तमाशा समझकर उसके नारे लगाए थे, जैसे 3-4 बरस के नन्हे बच्चे घर में इनकलाब जिंदाबाद करते फिरते हैं। 11 बरस की ही तो थी, ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, लेडी डॉक्टर ने मुझे बहुत कुछ कहा था कि अगर आप उसे सुन लें
तो शायद पागल हो जाए। बतूल अब नीम पागल है। उसके बाप को जाटों ने इस बेदर्दी से मारा कि हिंदू तहजीब के पिछले 6000 वर्ष के छिलके उतर जाए और इंसानी बर्बरियत अपने वैशी नंगे रूप में सबके सामने आ गई है। पहले तो जाटों ने उनकी आंखें निकाल ली, फिर उसके मुंह में पेशाब किया, फिर उसके हलक को चीर करके ये आते तक निकाल डाली और फिर उसकी शादीशुदा बेटियों से जबरदस्ती मुंह काला किया। उसी वक्त उसके बाप की लाश के सामने रेहाना, गुलदशा, मरजाना, सोहन बेगम एक एक करके वैशी इंसान ने अपने मंदिर की मूर्तियों को नापाक किया। जिसने उन्हें लोरियां सुनाई थी, जिसने उनके सामने शर्म और इज्जत से और पाकीजगी से सर झुका दिया था, उन तमाम बहनों, बहुओं और माओं के साथ जना किया। हिंदू धर्म ने अपनी इज्जत खो दी थी, अपनी रवादारी तबाह कर दी थी, अपनी अजमत मिटा डाली थी। आज ऋग्वेद का हर मंत्र खामोश था, आज ग्रंथ साहिब का हर दोहा शर्मिंदा था, आज गीता का हर श्लोक जख्मी था। कौन है जो मेरे सामने अजंता की मुसविरी का नाम ले सकता है, अशोक के कदवे सुना सकता है, एलोरा के सनम जदों को गुन के गा सकता है, बतूल के बेबस बिछे हुए होठों, उनकी बाहों पर बहसी दरिंदों के दांत के निशान और उसकी भरी हुई टांगों की नाहमवारी में तुम्हारी अजंता की मौत है, तुम्हारे अलोरा का जनाजा है, तुम्हारी तहजीब का कफन है। आओ आओ, मैं तुम्हें इस खूबसूरती को दिखाऊं जो कभी बतूल थी, उस लाश को दिखाऊं जो आज बतूल है। जज्बे की रौ में बहकर मैं बहुत कुछ कह गई, शायद ये सब मुझे कहना ना चाहिए था, शायद इसमें आपकी सुबकी है, शायद इसमें ज्यादा नागवार बातें आपसे अब और किसी ने न की होंगी, न सुनाई होंगी, शायद आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, शायद थोड़ा सा भी नहीं कर सकते। फिर भी हमारे मुल्क में आज़ादी आ गई है, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, और शायद एक तवायफ को भी अपने रहनुमाओं से पूछने का ये हक जरूर है कि अब बेला और बतूल का क्या होगा। बेला और बतूल दो लड़कियां हैं, दो कौमें हैं, दो तहजीबें हैं, दो मंदिर हैं, मस्जिद हैं। बेला और बतूल आजकल फारस रोड पर एक रंडी के यहाँ रहती हैं, जो चीनी हजाम की बगल में अपनी दुकान का धंधा चलाती है। बेला और बतूल के ये धंधा पसंद नहीं है, मैंने उन्हें खरीदा है, मैं चाहूँ तो उनसे काम ले सकती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगी जो रावलपिंडी और जलंधर ने उनके साथ किया है। मैंने उन्हें अब तक फारस रोड की दुनिया से अलग रखा है। फिर भी जब मेरे ग्राहक पिछले कमरे में जाकर अपना मुंह हाथ धोने लगते हैं, उस वक्त बेला और बतूल की निगाहें मुझसे कहने लगती हैं, मुझे उन निगाहों की ताब नहीं, मैं ठीक तरह से उनका संदेशा भी आप तक नहीं पहुंचा सकती हूँ, आप क्यों ना खुद उन निगाहों को आप पैगाम पढ़ लें। पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि आप बतूल को अपनी बेटी बना लें। जिन्ना साहब, मैं चाहती हूँ कि आप बेला को अपनी दुखतर नेक अख्तर समझें। जरा एक दफ़ा उन्हें इस फारस रोड के चंगुल से छुड़ा के अपने घर में रखें और उन्हें लाखों रूहा का नोहा सुनाइए। ये नोहा जो नवाखाली से रावलपिंडी तक और भरतपुर से मुंबई तक गूंज रहा है, क्या सिर्फ गवर्नमेंट हाउस में इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती? ये आवाज़ सुनेंगे आप, आपकी मुखलिस फारस रोड की एक तवायफ।